विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। छापेमारी के दौरान अबकारी टीम द्वारा 1 लाख की अवैध शराब बरामद की गई है। जनपद महोबा के पनवाड़ी विकास खंड में आने वाले लोलारा गांव में छापेमारी के दौरान 1 लाख की अवैध शराब बरामद की गई है। मुखबिर की सूचना की गई कार्रवाई के दौरान अधिकारी कुष्माकर धर को यह सफलता हाथ लगी है। बरामद की गई शराब को थाना पनवाड़ी पहुंचा दिया गया है। बरामद की गई शराब की कीमत 1 लाख रुपए आकी जा रही। वही दी जाने वाली इस दबिश के दौरान विभाग द्वारा अभियुक्त को फरार बताया जा रहा है। हम अपनी टीम के साथ दबिश पे थे, मुखबिर से सूचना मिली कि एक ललौरा गांव है, उसमें हेमंत तिवारी के मकान में कुछ शराब रखी गई है। उसकी सूचना पर विश्वास करते हुए हम टीम के साथ वहां पहुंचे तो देखा कि एक दूसरे के कमरे में जहां गाय भैंस वगैरह बांधी गई थी उसका उन्होंने कुछ पेटियां रखी गई थी, तो वहां देखा तो काफ़ी मात्रा में शराब बरामद हुई। लगभग 35 पेटी शराब है और एक पेटी में 48 क्वार्टर, तो कुल मिला के लगभग 1643 क्वार्टर बरामद किए गए। अभियुक्त मौके पर नहीं मिल सका, वो भाग चुके।